तारीख को जब लोग गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे तब कुछ झपटमारों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। मोबाइल छीनने की कोशिश में उन्होंने लोगों पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजय गांधी में सही इलाज ना मिलने के कारण राजकुमार जो कि घायल हुए थे 22 तारीख को उनकी मौत हो गई, जिसके कारण परिवार में दुख का माहौल छाया हुआ है। इसमें पुलिस प्रशासन की बड़ी नाकामी सामने आती है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मल्होत्रा है। ओम प्रकाश जी, 19 तारीख को क्या वारदात हुई थी आपके भाई के साथ? 19 तारीख को मेरा भाई अपने घर से सब्जी लेने गया था, यहीं पड़ोस में सब्जी मंडी लगती है, तो वहां पर पड़ोस के लड़के यश को कुछ लोग बाइक पे आए थे, चार लड़के थे वो, उन्होंने उसको चाकू मार रहे थे। तो इसने केवल बीच बचाव के लिए बोला कि भाई बच्चा है, इसको छोड़ दो, क्या कोई बात होगी तो माफ़ कर दो इसको। तो उन्होंने लड़के ने उन चारों बदमाशों ने उसको छोड़ के मेरे भाई के हिप पे चाकू मार दिया, जो पेट में अंदर चला गया। क्या नाम था आपके भाई का? राजकुमार नाम है मेरे भाई का। कितनी उम्र थी उनकी? 44 साल का। उसके बाद आपको किस टाइम पता चला गया आपके भाई को चाकू मार? यहाँ से गली मोहल्ले के लड़के उठा के उसको संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए। संजय गांधी हॉस्पिटल जाके फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई को चाकू लगाया, तभी हम पीछे पीछे संजय गांधी हॉस्पिटल पहुँच गए थे। कौन थे वो लोग, आपको कुछ पता चला इस बारे में? मारने वाले? मारने वाले का उस वक्त तो हमें नहीं पता लगा था, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा था कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। चार लड़के थे। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने उस वक्त तो FIR में उनका नाम हम कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो लड़कों के नाम फोटो हमने ही मैनेज करके उनको दिए थे कि ये लड़के थे। तो हॉस्पिटल में जब आपका भाई पहुंचा घायल अवस्था में, गंभीर हालत में, तो उसके बाद हॉस्पिटल वालों का क्या रवैया रहा, क्या ट्रीटमेंट दिया? हॉस्पिटल के रवैये के वजह से ही मेरे भाई की डेथ हुई है। क्या कारण रहा उसका? उन्होंने केवल स्टिचिंग जो बैक पे फेशियल ड्रेसिंग करके भेज दिया, केवल ड्रेसिंग करके भेज दिया था। वहाँ पे करीब 8 बजे, 8:30 बजे के लिए पहुँचे थे हम, 1:30 बजे वापस आए, तब तक उन्होंने केवल टांका लगा के छोड़ दिया था। और क्या हॉस्पिटल प्रशासन ने उसकी घाव की गहराई को नहीं? नहीं, नहीं, मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि उन्होंने केवल टांके लगा के छोड़ दिए थे। टांके लगाने के बाद में उन्होंने, हमने 2-3 बार बोला था कि इसको ना बार बार लैटरिन आ रही है और लैटरिन में ब्लीडिंग आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो चोट लगी है उस चोट से ब्लीडिंग आ रही है, उन्होंने कोई चेक नहीं किया। कितनी देर बाद एक्सपायर हुए फिर वो? संजय गांधी से हम 19 तारीख को रात को 1:30 बजे घर ले आए थे अपने, उन्होंने इंजेक्शन दे दिए, दर्द के और नींद के इंजेक्शन दे दिए थे, हम अपने घर पे ले आए थे। फिर सुबह हम अगले दिन 20 तारीख को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ले गए थे। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्होंने हमारे को, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपको संजय गांधी हॉस्पिटल वालों ने गाइड नहीं किया, मिस गाइड किया, इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, लैटरिन भी पेट के अंदर फैल गई है और ब्लीडिंग भी हो गई है, आंतड़ियां कट गई और लैटरिन का जो रास्ता वो कट गया है। तो उन्होंने हमारे को जवाब दे दिया था, फिर भी हमने रिक्वेस्ट की जयपुर गोल्डन वालों से, उन्होंने फिर ऑपरेशन किया, तो उन्होंने हमारे को उसी वक्त बोल दिया था कि ये कोमा में जाएगा और क्रिटिकल कंडीशन है, हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे। आपने पुलिस प्रशासन को हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ? अभी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने कल ही, मेरा भाई कल रात को एक्सपायर हुआ है, तो कल ही हम दाह संस्कार करके निपटे हैं, तो हमें अभी खुद का ही हमें कुछ नहीं पता हम कैसे करें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। क्या नाम है जी आपका? राधिका। राधिका, 19 तारीख को जो आपके पति के साथ हादसा हुआ है, उस हादसे से पहले आपके पति की किसी से कोई खास हुई थी, या आपको कोई ऐसा सकता कि आपके पति के ऊपर कभी जानलेवा हमला हो सकता? नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल घर में ही रहने वाले इंसान थे, कभी कहीं नहीं जाना आना कुछ नहीं, सिर्फ सब्जी लेने ही भेजा था मैंने, सब्जी लेके जगह ही भी नहीं थे। उससे पहले वो हादसा हो रहा था, वहाँ पे जाके उन्होंने ये बोला कि ना क्या ये क्यों मार रहे हो उसको, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे, इतने में उन्होंने उसको छोड़ के उनको चक्कू घुसा दिया। जिनका वो बीच बचाव कर रहे थे, क्या वो रिश्तेदार थे या जानकार थे? पड़ोसी थे। अब सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से इंसाफ चाहिए मुझे, और वो ख़त्म ही होने चाहिए, चिंते नहीं रहने चाहिए, बस ये चाहिए मुझे।